हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट के नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लांट किंगडम, उसको सॉल्व करते हैं। तो नीट में जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जनरल लाइक सेलेजिनेला साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट आर नोन एज। सेलेजिनेला साल्विनिया में किस तरह का स्पोर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हेट्रोस्पोरस। नेक्स्ट है हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो कारा के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अपर इगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, सेकेंड है ग्लोब्यूल्स एंड न्यूक्ल्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, या अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर इगोनियम, डी है ग्लोब्यूल इज मेयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो सही है, और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, वो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंथ्रीडियम जो होता है वो लोअर होता है वो, जबकि उगोनियम जो होता है वो अपर पार्ट में पाया जाता है, या उगोनियम को ठीक नीचे पार्ट्स में पाया जाता है, एंथ्रीडियम पाया जाता है, एंथ्रीडियम को ही ग्लोब्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पायरोगैरा, जबकि क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है वो आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड पाए जाते हैं, जबकि वॉलवॉक्स और फ्यूकस में ऊगैमस टाइप का पाया जाता है गैमेट्स। नेक्स्ट है सर्सन, स्पेकुलम इज स्लोली कार्बोनाइज कंप्रेस्ड एंड फॉसिलाइज ओवर 1000 ईयर टू प्रोड्यूस डार्क स्पंजी मास कॉल्ड पीट। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, यानी जो पीट का फॉर्मेशन करने में जो स्पेकुलम होता है वो पीट के फॉर्मेशन करने में मदद करता है, जबकि पीट हैज़ टू कीप सॉइल पोरस एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम्स इज फर्स्ट ऑब्जर्विंग। मतलब गैमोफाइट के साथ, स्पोरोफाइट के साथ साथ गैमेटोफाइट जो पाया जाता है वो सबसे किस में पाया जाता है आपको? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, कौन सा स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट है? तो आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट जो होगा, इसका सही आंसर जो होगा, ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज बाई ओवरी वॉल, ये करेक्ट है, क्योंकि उसी को ही जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिसमें जो जिसका ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल के द्वारा कवर्ड नहीं होता, उसे हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस, सेलेजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है, साल्विनिया भी हेट्रोस्पोरस होता है। हॉस्टेल जो होता है वो टेरिडोफाइट्स होता है। स्टेम आर यूजली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, जो कि गलत है, ये ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कोनीफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ। कोनीफर्स जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, तो इसका आंसर होगा वो थ्यूक क्यूटिकल्स। नेक्स्ट हमारा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग दैम। इन लीवरवॉर्ट मॉसेस फर्न गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ये बात सही है कि जो लीवरवॉर्ट्स होते हैं, मॉसेस होते हैं और फर्न्स होते हैं, इनके गैमेटोफाइट जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस, तो ये स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करते हैं गलत है ये, ये स्टेटमेंट सही है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस वॉलवॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज ओगैमस,
तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्पोरोपॉड इन लीवरवर्ट्स इज मोर एलाबोरेट दैन डैट इन मॉसेस, जो कि गलत है। जो अगर बात करते हैं मॉस जो होता है लीवरवर्ट से, वो ज़्यादा एलाबोरेट होता है। बोथ पाइनस एंड मार्टिनसियाई डायोसियस, जो कि गलत होता है। पाइनस जो होता है वो मोनेसियस होता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो आंसर 3 होगा। कॉलोनियल एल्गा, नेक्स्ट हमारा है कॉलोनियल एल्गा, जो वो किसे कहते हैं हम लोग, वॉलवॉक्स को कहते हैं। विच इज द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनेसियस, तो इसका आंसर होगा कारा। विच इज द वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, तो उसका आंसर होगा यूनिफ्लैजिलेट गैमेट, जो कि पॉलीसिफोनिया में पाया जाता है, जो कि रॉन्गली मैच्ड है। बाईफ्लैजिलेट जो स्पोर ब्राउन एल्गी में पाया था सही है। जेमा का पार्किंसियम पाया था ये भी सही है। क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है ये भी सही है। विच इज़ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका इक्टोकार्पस, क्योंकि मैनिटॉल पाया जाता है फ्यूफाइसी में पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसका अगर हम लोग बात करते हैं, इसका स्टेटमेंट जो होगा एल्गिन इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गा, कैराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गा, जो कि एल्गिन जो होता है वो पाया जाता है ब्राउन एल्गा से पाया जाता है, कैराजिन जो होता है वो बात करते हैं रेड एल्गी से पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंपेयर विद गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर जो प्लांट्स होते हैं टेन टू बी उसके बात करते हैं, तो गैमेटोफाइट जो वैस्कुलर प्लांट होता है वो स्मॉलर होता है और इसके सेक्स ऑर्गन भी स्मॉलर होते हैं। एल्गी हैव ए सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी का जो सेल वॉल जो बना होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनान्स। विच इज़ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो इक्टोकार्पस फ्यूगोजेंटिन ये सही है क्योंकि फ्यूफाइसिंग में पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स मैनिटॉल ये जो है गलत है, ये मैनिटॉल जो होता है आपका फ्यूफाइसिंग में पाया जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, तो इसका आंसर होगा स्फेग्नम।